स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर में। आज हम केमिस्ट्री में IUPAC नामेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। सभी अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और हम स्टार्टिंग में बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कुछ पढ़ेंगे फिर नामेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। आप सभी कंसंट्रेट होकर बड़े इत्मीनान से इधर उधर की बातें ना सुनते, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने और समझे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके IUPAC नामेनक्लेचर सबसे बेस्ट हो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले हम एल्केन से। ठीक, जनरल छोटी सी बातें, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, है ना, लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कंपाउंड जनरली बने होते हैं कार्बन के। किसके बने होते हैं? कार्बन के। तो हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12, जिसका सेल कॉन्फिगरेशन होता है 2 4। क्या होता है सेल कॉन्फिगरेशन? 2 4। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसलिए कार्बन हमेशा कितने बॉन्डिंग बना करेगा? 4। कितनी बॉन्डिंग करेगा? 4। छोटी सी बेसिक बातें, कार्बन हमेशा कितनी बॉन्डिंग करता है? 4। आओ स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन। क्या देखने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन चेन। क्या पढ़ेंगे? ओपन चेन, जिसे एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड, या क्या कह दीजिए इसे, एसाइक्लिक। और क्या कह सकते हैं? एसाइक्लिक। कैसे कंपाउंड? एसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट डिवाइड किया इन्हें क्लोज्ड चेन। ओपन चेन, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? क्लोज्ड चेन, जिसे हम बोलेंगे रिंग। क्या कहेंगे? रिंग। किसकी? कार्बन की। क्लोज्ड रिंग, जिन्हें हम कह सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? साइक्लिक कंपाउंड। तो हम देखने जा रहे हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक, या कह सकते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसमें, सॉरी, पहले अपन देख लेते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड। उन कंपाउंड को कहते हैं हम सेचुरेटेड कंपाउंड। और अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, अनसेचुरेटेड किसको कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसे अनसेचुरेटेड कहेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहेंगे सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो होगा एल्केन। क्या पढ़ेंगे हम? एल्केन। आज हमारे टारगेट एल्केन ही है ना। अनसेचुरेटेड कंपाउंड को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होते हैं ओलिफेनिक, ओलिफेनिक, और एक होता है एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक। ओलिफेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। और एसिटाइलिनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं? ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लोज्ड चेन रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड को हम अगेन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटरोसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग होगी और वो किसकी होगी, कार्बन की, हेटरोसाइक्लिक मतलब कार्बन की रिंग में अदर एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे कोई एलिमेंट आ जाए तो वो होते हैं हेटरोसाइक्लिक, और अगर रिंग केवल कार्बन की है तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने, एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एलिफेटिक। क्या होता है, एलिफेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग हो या वो एरोमेटिक हो, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है वो समझेंगे हम जनरली, अभी आप इतना समझ लीजिए वे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है हाल फिलहाल, ये तो 3-4-5 ऐसी कंडीशन है जो हकल्स रूल्स को ओबे करे, है ना, जिनमें कॉन्जुगेट सिस्टम हो, जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं जनरली। आपको अगर याद है ठीक है, नहीं याद है तो अभी हम देख रहे हैं जनरल क्लासिफिकेशन, एक एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और एक एलिफेटिक होते हैं। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो भाग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं बेंजिनोइड और एक होता है नॉन बेंजिनोइड। टू पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो और ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग के अलावा कोई दूसरी रिंग हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजिनोइड कंपाउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी दो टाइप के हैं, हेटरोसाइक्लिक जिसमें कार्बन की रिंग हो परंतु कार्बन के रिंग के अलावा उस रिंग में कार्बन के अलावा कुछ अदर एलिमेंट हो जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एटसेट्रा, है ना। तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ये एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिफेटिक। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसे भी दो पार्ट में, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, ये क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सैचुरेटेड ओपन चेन में हम क्या देख रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओलिफेनिक और एसिटाइलिनिक। ओलिफेनिक कौन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, जस्ट जैसे एग्जांपल क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए इस चेन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनसेचुरेटेड। जैसे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, ये अनसेचुरेटेड है कि नहीं, नहीं है, क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए सैचुरेटेड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। मैंने क्या समझाया आपको, सैचुरेटेड किसको कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो यहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ये तो सैचुरेटेड है, ये तो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता तो मैं इसे अनसैचुरेटेड कह देता, यहां तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है मैं इसे क्या कहूंगा, सैचुरेटेड। तो ये क्या नहीं है, अनसैचुरेटेड, ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड। एसिटाइलिनिक का एग्जांपल अगर देखें तो मैं लिख सकता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कैसा कंपाउंड है ये,
अनसेचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एक होमोसाइक्लिक और एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होगा, जिसमें कार्बन और कार्बन की एक रिंग हो, सिर्फ कार्बन कार्बन की रिंग हो, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंजिनोइड। एरोमेटिक कंपाउंड, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल आपको यहां लिख देता हूं, ये बेंजीन रिंग, इसमें सारे इस सारी रिंग में केवल क्या है, कार्बन है और ये एरोमेटिक है। रिंग में सारे कार्बन है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, होमोसाइक्लिक, बट ये एरोमेटिक है। समझ में आ रहे, बेंजिनोइड में कौन ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से बना हो, जैसे ये एक तो हो गया बेंजीन, ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, यह बेंजीन हो गया या नेफ्थेलिन हो गया, एक और रिंग बढ़ा देंगे तो बन जाएगा एंथ्रासीन। समझ में आ रही मेरी बात है आपको, इसमें सारी रिंग किसकी है, बेंजीन की। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की ही रिंग हो और वो किसके प्रोडक्ट हो, बेंजीन के, उन्हें क्या कहते हैं, बेंजिनोइड। नॉन बेंजिनोइड क्या होते हैं, नॉन बेंजिनोइड क्या होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग के अलावा कोई दूसरी रिंग भी हो, जैसे क्या, ये फाइव मेंबर्ड रिंग। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है, क्लियर, ऐसा बना सकते हैं इसको। ये बेंजीन की रिंग और एक फाइव मेंबर रिंग, क्या इसमें बेंजीन के अलावा कोई दूसरी रिंग है, तो ये नॉन बेंजीनोइड हो गया, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में देखिए क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन की रिंग हो, क्या हो, कार्बन की रिंग हो, उसके साथ कोई अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन हो, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक भी क्या होते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी। एरोमेटिक का कोई एग्जांपल जरा देखे तो, एरोमेटिक का एग्जांपल ये रहा पिरिडिन, डबल सिंगल डबल, इसमें कार्बन की रिंग है, यहां कार्बन 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 है, पर एक एलिमेंट अदर भी है, नाइट्रोजन। केवल कार्बन की रिंग होती तो मैं उसे होमोसाइक्लिक कहता, पर इसमें कार्बन के अलावा कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये एक पहली बात हेट्रोसाइक्लिक है, बट ये है कैसा, एरोमेटिक, पिरिडिन हो गया। एलिफेटिक एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये कैसे कंपाउंड है, एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक, पर कार्बन की रिंग में एक अदर एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्या समझे हम, हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को एसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन को आप रिंग बोल सकते हो या साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ओपन चेन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कौन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। समझ रहे हो, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, ओलिफेनिक और एसिटाइलिनिक। ओलिफेनिक क्या, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड। एसिटाइलिनिक कौन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। क्लोज्ड चेन या रिंग हमने देखा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो जिसमें रिंग हो केवल कार्बन की, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक वे जिसमें रिंग हो कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो, तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी दो टाइप के, एरोमेटिक एलिफेटिक। हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप के हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जल्दी कीजिए।
कर लिया नोट कर लिया, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। बड़े देखिए अच्छे से नामेंक्लेचर हमें सीखना है, आप अपनी पेन और कॉपी में जो मैं सिखा रहा हूँ वो लिखते रहिए, है ना, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, जब तक आप लिखोगे नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं, क्वेश्चन दिया मैंने आपको, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, एरोमेटिक, जो भी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट बताइए कैसा कंपाउंड है, क्या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है? यस सर, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। तो ये कैसा है, सैचुरेटेड, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए, ये सैचुरेटेड है क्या, क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख गया? यस सर दिख गया। बताइए क्या होगा, अनसैचुरेटेड, वेरी गुड, अनसैचुरेटेड। कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। जल्दी से थर्ड देखिए, कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। कार्बन किसी और के साथ डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए उससे हमें मतलब, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, सैचुरेटेड। ठीक है, समझ में आ रही है आपको मेरी बात है। नेक्स्ट यहां देखिए, ये कंपाउंड है साइक्लिक है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। क्या कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है? हाँ सर। क्या रिंग है? हाँ सर। और रिंग में अगर कार्बन ही कार्बन हो तो उसे क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहे मेरी बात। नेक्स्ट देखिए, क्या ये एक रिंग है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, पर इसमें यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, हेट्रो साइक्लिक। क्लियर। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर का, जा देखिए, क्या रिंग में सब कार्बन है? हाँ सर, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सारे रिंग में सारे क्या है, कार्बन, और रिंग में सब कार्बन है तो होमोसाइक्लिक होगा। अरे नाइट्रोजन तो रिंग के बाहर है ना, रिंग में अगर सारे ही एलिमेंट कार्बन है तो होमोसाइक्लिक। तो ये कैसा है, होमोसाइक्लिक। कैसा है भैया, होमोसाइक्लिक, और मैं कहूंगा कैसा, एरोमेटिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट देखिए, क्या रिंग, रिंग में कार्बन है? यस सर, कार्बन तो है, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट है क्या? हाँ सर है, नाइट्रोजन। अगर रिंग केवल कार्बन की होती तो होमो, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट आया तो खटाक से हम क्या लिखेंगे, हेट्रो साइक्लिक। क्या लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। बट ये कैसा है, एरोमेटिक। कैसा है, एरोमेटिक। क्लियर मेरी बात, नोट कीजिए सभी, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा लिखना, जिसका राइटिंग वर्क अच्छा होता है उसको रिवीजन में तकलीफ नहीं होती, साफ सुथरा वर्क रखें अपना, ठीक। बढ़े आगे, करें स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, आई यू पी ए सी, नॉमेनक्लेचर। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करें। जनरल बात, IUPAC का पूरा नेम क्या है सभी को याद होगा,
आई फॉर क्या? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू फॉर क्या? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन। पी फॉर प्योर, प्योर। एंड ए फॉर क्या? एप्लाइड, एप्लाइड। सी फॉर केमिस्ट्री। ये इसका फुल नेम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्बन के कंपाउंड का नामेनक्लेचर करता है, क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही मिलते हैं। उन कार्बन के कंपाउंड का यूनिक नेम हो जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो उन कंपाउंड का क्या करेगा, नामेनक्लेचर, जिसके कुछ रूल्स है, जिसके कुछ रूल्स है। हमें ज्यादा रूल्स याद नहीं रखना है, हमें केवल तीन रूल याद रखना है। कितने? तीन। बाकी रूल हम जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें याद होते जाएंगे। तो मैं रूल लिख देता हूं, रूल फॉर आई यू पी ए सी नोमेनक्लेचर, आई यू पी सी नोमेनक्लेचर के कुछ रूल है। फर्स्ट रूल, हमें ज्यादा रूल याद नहीं रखना है, सिर्फ तीन रूल याद रखना है। सिलेक्ट, फर्स्ट रूल क्या है? सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन, फर्स्ट रूल सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन को हम और क्या कहते हैं? इस लॉन्गेस्ट चेन को हम कहते हैं मेन चेन। कभी कभी लॉन्गेस्ट चेन का रूल भी ब्रेक हो जाता है ना? इसी लॉन्गेस्ट चेन को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, जिसे बोलते हैं जनक श्रृंखला हिंदी में, है ना? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का रूल ब्रेक हो जाता है कुछ रूल्स के कारण, इस कारण हम इस लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल चेन। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल चेन। ये सब एक ही बात है, लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन कहते हैं और क्या कहते हैं? पेरेंट चेन, या उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल चेन। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल है सिलेक्ट सब्स्टिट्यूएंट, सिलेक्ट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापी, है ना? क्या है सब्स्टिट्यूएंट? किसको कहते हैं? जो मेन चेन में सिलेक्ट ना हो। मैं ऐसा लिख सकता हूं, कार्बन नॉट इंक्लूड, कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। कौन सी चेन? मेन चेन में जो इंक्लूड ना हो उस कार्बन को, उस रेडिकल को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। और थर्ड एंड फाइनल रूल है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरेस्ट, सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरेस्ट। ये तीन रूल के साथ हम अपने नामेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। रूल बहुत सारे हैं, रूल बहुत सारे हैं, पर रूल याद नहीं रहते हैं, प्रैक्टिस के साथ रूल हमें याद रह जाते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस के साथ रूल्स को याद रखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया, बढ़े आगे, करें स्टार्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं आज एल्केन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्केन। क्या पढ़ेंगे आज हम? एल्केन। तो स्टार्टिंग हम एल्केन से करते हैं, और एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है, वेयर एन इज
क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसका नंबर है ये एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट से, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल नामेनक्लेचर से हम जाएंगे टफ नामेनक्लेचर पर, मतलब हमारी जो कोशिश रहेगी सिंपल सिंपल सिंपल, फिर आ जाएंगे डिफिकल्ट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, पुट कीजिए फार्मूले में n इक्वल टू क्या, वन। यदि n इक्वल टू वन पुट करते हैं तो कार्बन कितना, एक, टू वन जा टू, टू और टू फोर, हाइड्रोजन कितने हो गए फोर। फर्स्ट मेंबर मिलता है हमें एल्केन का कौन, एक कार्बन वाला CH4, क्या मिला हमें CH4। ये जो CH4 लिखा है, ये CH4 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं इसे ओपन करता हूं तो ये कार्बन, कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है भैया, फोर, वन टू थ्री फोर, चार वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की, वन टू थ्री फोर, ये होता है इसका ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है भैया, ओपन स्ट्रक्चर है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखना है, और IUPAC नेम तीन पार्ट से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स से, है ना। तो जरा एक बार हम देख लें, क्या IUPAC नेम कितने चीजों से मिलकर बनता है, IUPAC नेम तीन पार्ट से मिलकर बना है। सबसे पहले लिखा जाता है IUPAC नेम में प्रीफिक्स, क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स, देन फिर लिखा जाता है रूट वर्ड बोल दो या वर्ड रूट बोल दो, क्या बोल दो, वर्ड रूट, और लास्ट में नाम के सबसे लास्ट में लिखा जाता है सफिक्स, क्या लिखते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, इनिशियल क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, मैं अभी समझा रहा हूं। रूट वर्ड क्या है भैया, रूट वर्ड हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन किसमें, इन मेन चेन, अभी बताया था मैंने आपको मेन चेन किसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है वो, उसका क्या होगा, रूट वर्ड, रूट वर्ड के पहले लिखे जाते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं सफिक्स, और जो प्रीफिक्स होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, और रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं सफिक्स, और ये सफिक्स भी होते हैं दो, पहले लिखते हैं हम वन डिग्री सफिक्स, देन आफ्टर हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से हमारा नामेनक्लेचर कंप्लीट होता है, मतलब पहले लिखा जाता है टू डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है वन डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने हैं, देन आफ्टर लिखा जाता है वन डिग्री सफिक्स, फिर लिखा जाता है टू डिग्री सफिक्स। ये टू डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, इनको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट,
टू एंड। हिंदी में इन्हें कहते हैं प्रतिस्थापी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी IUPAC नामकरण को इंग्लिश में ही सीखना चाहिए ताकि गलतियों की गुंजाइश कम हो जाए। सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। अभी हमें बताऊंगा आपको सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स किनके यूज लिए यूज किया जाता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो होगा तो बाईसाइक्लो लिखेंगे, स्पाइरो होगा तो स्पाइरो लिखेंगे। देन आफ्टर हम लिखेंगे रूट वर्ड या वर्ड रूट, जिसमें मेन चेन में कितने कार्बन है वो लिखा जाए। उसके बाद लिखते हैं सफिक्स, वन डिग्री सफिक्स। क्या अगर कार्बन और कार्बन के बीच में मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो नाम में हम वन डिग्री सफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड, तो हम नाम में क्या लगाएंगे? इन, ई एन ई। अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाए? ट्रिपल बॉन्ड, तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे? आइन। ठीक है, ये रूट वर्ड के जस्ट बाद ही लिखे जाते हैं एन, इन और आइन। लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स किन के लिए यूज किया जाते हैं? तो सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए यूज किया जाते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए, जिनकी स्टडी हम एल्केन एल्किन और एल्काइन साइक्लो एल्केन साइक्लो एल्किन साइक्लो एल्केन पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। वहां पर इस तरह से हम क्या समझ पाए कि जो IUPAC नेम है, IUPAC नेम है, तीन पार्ट से तो मिलकर बनता ही है, पर अगर उसे एक्सप्लेन करें तो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहले लिखा जाता है क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है क्या? वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। और देन आफ्टर फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर मेरी बात? समझ में आ रही सबको? यह है हमारा IUPAC नामेनक्लेचर का तरीका। बॉक्स में बंद कर लेते हैं। काम की चीजें कहाँ बंद रहनी चाहिए? चार दीवारी में, है ना? पैसे भी कहाँ रखते हो? तिजोरी में रखते हो ना, चार दीवारी के अंदर। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापिस से आते हैं। चलो भैया, इसका नामेनक्लेचर करना है। कार्बन कितना है इसमें? एक। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम? रूट वर्ड। इसमें कोई ब्रांच तो है ही नहीं, ब्रांच क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूएंट। एक ही कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे? रूट वर्ड। आप अपनी कॉपी में अलग से एक मार्जिन पर साइड में लिख लेना, मैं आपके लिए यहां पर ऐड कर देता हूं एक पेज और, मैं रूट वर्ड लिख देता हूं सबके। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है उसमें अगर कितना कार्बन है? एक कार्बन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। वर्ड रूट, क्या समझा रहा हूं आपको? रूट वर्ड या वर्ड रूट। अगर एक कार्बन हो तो हम लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ। अगर कंपाउंड में दो कार्बन है तो हम लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? एथ। अगर कंपाउंड में कितने कार्बन हो? तीन, तो हम लिखते हैं प्रोप। चार कार्बन हो कंपाउंड में तो हम लिखते हैं ब्यूट। पांच कार्बन आ जाए कंपाउंड में तो हम रूट वर्ड के रूप में क्या लिखेंगे? पेंट, पेंट। छह कार्बन आ जाए कंपाउंड में तो क्या लिखेंगे? हेक्स। सात कार्बन आ जाए कंपाउंड में तो हम क्या लिखेंगे? हेप्ट। अगर आठ कार्बन आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट।
नो कार्बन आ जाए तो क्या लिखेंगे? नॉन। क्या लिखेंगे? नॉन। इसी तरह अगर 10 कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए, तो उसके लिए यूज किया जाता है डेक। जनरली हमें जरूरत होती है 10 कार्बन तक रूट वर्ड याद रखने की। फिर भी कुछ मैं आपको सिखाता हूं, अगर 11 कार्बन आ जाए तो क्या लिखेंगे? 11 को आप क्या लिख सकते हो? 1+10 लिख सकते हो क्या? आईयूपीएसी बोलती है 1 को बोलो क्या? अन। और 10 को आपने अभी बताया क्या बोलते हैं? डेक। तो अन 1 के लिए और 10 के लिए हम क्या लिखेंगे? डेक। तो नाम 11 कार्बन के लिए क्या हो गया? अनडेक। इसी प्रकार 12 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, कैसे लिख लें इसको? 2+10। 2 के लिए आईयूपीएसी बोलती है डो, और 10 के लिए क्या बोलती है? डेक। डो डेक। इसी प्रकार 13 कार्बन हो तो, 13 कार्बन हो तो, 13 कार्बन 13 13 तुम्हारा कार्बन आर्बन नहीं 13 कार्बन हो तो 3+10 ट्राइडेक। क्या लिखेंगे? ट्राइडेक। 4 कार्बन हो तो टेट्राडेक। 15 कार्बन हो तो पेंटाडेक। इस तरह से करते करते हम कहां तक पहुंचे? 20 कार्बन तक। तो 20 कार्बन को हम कहते हैं आइकोज। क्या कहते हैं? आइकोज। अगर 21 कार्बन हो जाए तो क्या लिख सकते हो 21 को? 1+20। 1 को क्या बोलेंगे? अन। और 20 को क्या बोलेंगे? आइकोज। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अन आइकोज। क्या लिख सकता हूं? अन आइकोज। इसी प्रकार 22 कार्बन हो तो 2 आइकोज, 23 हो तो ट्राई आइकोज, टेट्रा आइकोज। ऐसे करते करते अगर हम कहां तक पहुंचे? 30 कार्बन पर, तो 30 कार्बन को कहा जाता है ट्राइकोंट। क्या कहा जाता है? ट्राइकोंट। तो 31 को क्या कहेंगे? चलो मैं 31 का लिखता हूं। 31 कार्बन को क्या कहेंगे? 1+30। 1 को क्या बोलते हैं? अन। 30 को क्या बोलते हैं? ट्राइकोंट। तो नाम क्या हो गया? अन ट्राइकोंट। क्लियर? ऐसे 40 कार्बन को क्या कहेंगे? टेट्राकोंट। टेट्राकोंट। 50 को क्या कहेंगे? पेंटाकोंट। क्या कहेंगे? पेंटाकोंट। ऐसे 60 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्साकोंट। हेक्साकोंट। ऐसे 70 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेप्टाकोंट। हेप्टा कोंट। है ना? अगर मैं आपको दे दूं कि 72 कार्बन को क्या बोलेंगे, रूट वर्ड क्या रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2+70। 2 को क्या बोलते हो? डो। 70 को क्या बोलते हो? हेप्टाकोंट। डो हेप्टाकोंट। समझ में आ रही? इसी प्रकार 80 कार्बन को क्या बोलेंगे? ऑक्टाकोंट। ऐसे करते करते हम अगर 100 कार्बन तक जाते हैं, तो 100 कार्बन को हम कहते हैं हेक्ट। क्या कहते हैं? हेक्ट। क्लियर? तो 101 को क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए, 101 कार्बन को क्या कहेंगे? है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे हैं क्या भैया जी? बहुत काम की चीज समझी है हमने। ये सब हमारे क्या है? वर्ड रूट, इंपॉर्टेंट। इनके बिना हम नॉमेनक्लेचर को आगे नहीं बढ़ा सकते। नोट कीजिए। कॉपी पेन है कि नहीं? लिखते रहिए, सीखेंगे तभी जब हम लिखेंगे। ठीक है, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़े आगे? ठीक है, यहीं पर थे। हमें एल्केन के फार्मूले में n इक्वल टू 1 रखा तो फार्मूला ही बना। हमें इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। आईयूपीएसी नेम कितनी चीजों से मिलकर बना है भैया जी, जल्दी बताएं? 3 चीजों से। पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, तीसरा क्या? सफिक्स। है ना? तो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, हमें प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है। एक कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक। तो रूट वर्ड एक कार्बन के लिए क्या है, मिथ। तो एक कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मिथ, है ना। किस फार्मूले से बनाया, एल्केन के फार्मूले से। एल्केन के फार्मूले का जो सफिक्स होता है वो होता है एन। कौन सा सफिक्स, वन डिग्री सफिक्स। एल्केन फैमिली का वन डिग्री सफिक्स होता है एन। तो मैं सफिक्स क्या लगाऊंगा यहां पर, मिथ प्लस एन। तो इसका नेम हो गया क्या, मीथेन। ये हो गया इसका क्या, आईयूपीएसी नेम। इस मीथेन का एक कॉमन नेम है, और जो भी कॉमन नेम आपको याद रखने होंगे मैं उन पे लगाता जाऊंगा स्टार, वो अलग से नोट कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है मार्स गैस। मार्स गैस हिंदी में कहते हैं दली गैस, ठीक है। बड़े आगे एक एग्जांपल और ले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, है ना। हम इजी से डिफिकल्ट की ओर जाएंगे। कुछ स्टूडेंट इस पे पढ़ चुके होंगे तो वो थोड़े स्पीड में या आगे करके देख सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जम के पढ़ना है, बड़े आराम से पढ़ते हुए चले, है ना। नेक्स्ट में लिख रहा हूं क्या, नए पेज पे ले लें क्या, काम करते हैं। इसको यहां फिट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर जिसमें हम ले रहे हैं एन इक्वल टू क्या, टू। फॉर्मूले में पुट कीजिए एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू पुट करोगे आप तो कार्बन कितने हो जाएंगे, दो। टू टू जा फोर, फोर और टू सिक्स, हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स, सी टू एच सिक्स। क्या है भैया ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। अच्छा किस फैमिली से बनाया आपने, एल्केन फैमिली के फार्मूले से बनाया। एल्केन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, उसे क्या कहते हैं, एल्केन। तो यहां कितने कार्बन हैं, दो, उनके बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो बना देते हैं एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन। अच्छा कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, चार। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, केवल वन वैलेंसी सेटिस्फाई, तीन वैलेंसी और करो, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, सबको एक एक हाइड्रोजन दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर, है ना। तो मैं सी टू एच सिक्स को कैसा लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, और किस तरह से लिख सकते हैं इसको। अच्छा इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, तीन। तो ये कार्बन तीन हाइड्रोजन कनेक्ट है, मैं इसके पास ही लिख देता हूँ सी एच थ्री। कार्बन इस कार्बन से कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड। फिर कार्बन ये वाला, इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, तीन, इसके पास लिख दीजिए, है ना। मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा, सी एच थ्री सी एच थ्री। ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला है ये, कंडेंस्ड, कंडेंस फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला है ये, कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना। ये पार्शियल कंडेंस्ड है, क्योंकि कुछ बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल, पार्शियल कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये कैसा फॉर्मूला है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन। और ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और भी आएंगे, अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आएंगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर भी आएंगे, बातें समझ में आई क्या आपको, आइए अब हमें इसका क्या करना है, आईयूपीएसी नामेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे,
बताओ चेन में कितने कार्बन है? दो, वन टू। कोई ब्रांच है क्या? नहीं है, दो ही कार्बन है। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा? इथ। क्या होगा? इथ। अभी आपने नोट किया, अभी मैंने सिखाया आपको, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। ठीक है, तो दो कार्बन के लिए इथ। रूट वर्ड के जस्ट बाद क्या लगाते हैं? सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगाते हैं? वन डिग्री। कौन सा सफिक्स लगाते हैं? कहाँ है भैया? यहाँ। रूट वर्ड के जस्ट बाद वन डिग्री सफिक्स। वन डिग्री सफिक्स क्या होते हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन। ठीक है, तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया? इथेन। एक कार्बन है मीथेन, दो कार्बन है इथेन, तीन कार्बन होगा प्रोपेन, चार होंगे ब्यूटेन, पांच होंगे पेंटेन। है ना, समझ में आ रही है? बढ़े आगे, ये रूट वर्ड हो गया, ये आईपीसी नेम हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, एन इक्वल्स टू थ्री रख देता हूं। क्या रख देता हूं? थ्री। किस फॉर्मूले में? सी एन एस टू एन प्लस टू में। इस फॉर्मूले में पुट किया हमने एन इक्वल टू थ्री, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? थ्री, टू थ्री जा सिक्स और टू एट, सी थ्री एच एट। इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? एल्केन के फार्मूले से बनाया है, तीन कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड तो हो गए सही। अब कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? चार। सेटिस्फाई कीजिए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक ही बॉन्ड बना रहा है, दो तीन चार। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक दो। अरे ये कार्बन इधर भी इस कार्बन से जुड़ा है और किधर कार्बन से जुड़ा है, दो बॉन्ड बना रहा है, तीन चार। सेटिस्फाई चार वैलेंसी। ये कार्बन ओनली वन बॉन्ड, वन टू थ्री फोर। इस प्रकार सभी कार्बन की चार चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। सबको एक एक हाइड्रोजन दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हाइड्रोजन और तीन कार्बन। और कैसा लिख सकता हूं मैं इसको? कुछ ऐसा लिख सकता हूं। कैसा? इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? तीन। तो मैं क्या लिखूं? सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन। कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है इससे? दो। सी एच टू, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितने इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है? तीन। सी एच थ्री मेन चेन तीन कार्बन की, तीन कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे? एन। क्लियर मेरी बात? जल्दी से नोट कीजिए आप। लिख लिया सभी ने? समय की कमी की वजह से कल हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? एल्केन से। हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावेलेंट होता है, चार बॉन्ड बनाता है। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देखा था? क्लासिफिकेशन, ओपन चेन, क्लोज्ड चेन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्लोज्ड चेन वाले होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, है ना। होमोसाइक्लिक दो टाइप के, एरोमेटिक एलिफेटिक, हेट्रोसाइक्लिक भी दो टाइप के थे, एरोमेटिक एलिफेटिक। ओपन चेन दो टाइप के थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, है ना। नेक्स्ट फिर हमने देखा क्या, इसी क्लासिफिकेशन पे कुछ कंपाउंड का हमने क्वेश्चन देखे। देन हमने नामेनक्लेचर के ओनली तीन रूल देखे थे, सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नियरेस्ट, है ना। फिर हमने स्टार्ट किया था आज के लेक्चर में क्या, एल्केन, जिसमें मैंने आपको रूट वर्ड बताया, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर हमने आईयूपीएसी नामेनक्लेचर का जो मेन फार्मूला है जिसमें हम तीन पार्ट से आईयूपीएसी नेम बनेगा वो समझा, जिसमें हम टू डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर वन डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना। कॉपी और पेन, लिखने की प्रैक्टिस
बनाए रखे। धन्यवाद सभी का।